हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास वन के बच्चों के लिए ईवीएस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ प्लांट अराउंड अस टॉपिक से रिलेटेड आज हम देखने जा रहे हैं प्लांट अराउंड अस वर्कशीट तो अगर आप अपने बच्चों को प्लांट्स अराउंड अस क्लास वन के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस वर्कशीट देना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें तो बच्चों को क्लास वन में एक टॉपिक होता है ईवीएस में प्लांट अराउंड अस इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या कवर किया जाता है? को को है तो उसी रिलेटेड प्रैक्टिस वर्क शेयर कर रही हूं तो जैसे अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट को फॉलो करके बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं जैसे यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों को प्लांट अराउंड अस टॉपिक से ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें बच्चों को दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को बच्चों को टिक करना होता है। जैसे है, जैसे पे पहला बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ऑप्शन वन स्क्रब्स ऑप्शन टू हर्ब्स एंड ऑप्शन थ्री ट्रीज यानी कि बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या कहते हैं श्रब हर्ब और ट्री तो इसका सही आंसर क्या होगा ट्री तो थर्ड ऑप्शन को टिक करना है उसी तरह से नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड जो स्मॉल प्लांट होते हैं जिसके सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन वन ट्रीज ऑप्शन टू श्रब्स ऑप्शन थ्री हर्ब्स तो इसका सही आंसर क्या होगा हर्ब सो थर्ड ऑप्शन को अगेन टिक करना है बच्चों को इसी से नेक्स्ट है वी शुड बी डैश लाइक ट्रीज ऑप्शन वन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन टू वीक ऑप्शन थ्री ऑनेस्ट तो इसका सही आंसर क्या होगा वी शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक ट्री सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पंपकिन प्लांट इज अ ऑप्शन वन श्रब ऑप्शन टू क्लाइंबर ऑप्शन थ्री क्रीपर यानी कि पंपकिन प्लांट किस तरह का प्लांट है श्रब है क्लाइंबर है या क्रीपर है तो इसका सही आंसर क्या होगा पंपकिन इज़ अ क्रीपर तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन उसी तरह से नेक्स्ट है प्लांट्स एंड ट्रीज आर डैश फॉर अस इंपॉर्टेंट हार्मफुल और नॉट इंपॉर्टेंट सो प्लांट्स एंड ट्रीज आर important for us so option वन is the correct one तो so, इस तरह से आप भी बच्चों को objective question देते हुए plant around us topics से ही related बच्चों को घर पे practice करवा सकते हैं here is the next question fill in the blanks from the given option यहाँ पे बच्चों को filling the blanks दी गई है जिसमें बच्चों को options दिए गए हैं उसमें से बच्चों को fill करना है blanks को जैसे यहाँ पे पहला है we get dash from plants option है food और water so what we get from plants food यानी कि यहाँ पे answer क्या हो जाएगा food तो बच्चों को फूड लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है प्लांट्स आर डैश थिंग्स नॉन लिविंग और लिविंग सो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स तो यहाँ लिखेंगे लिविंग थिंग्स उसी तरह से नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रोस इन वॉटर आर कॉल्ड डैश प्लांट्स वॉटर और डेजर्ट जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं वॉटर प्लांट तो यहाँ पे वॉटर लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है डैश ग्रोस अंडर द ग्राउंड क्या अंडरग्राउंड ग्रो करता है ब्रांचेस और रूट्स तो रूट्स जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं तो आंसर रूट होगा उसी तरह से नेक्स्ट है डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड इसे सपोर्ट चाहिए अपवर्ड ग्रो करने के लिए क्रीपर और क्लाइंबर आंसर क्या हो जाएगा क्लाइंबर तो यहाँ आंसर लिखना है क्लाइंबर तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इससे भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं ही इज द द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच फॉलोइंग पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को एक साइड में कई सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिखे गए हैं इसे बच्चों को अदर साइड के करेक्ट टाइप ऑफ प्लांट के साथ मैच करना है जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हिबिकस तो हिबिकस किस तरह का प्लांट है इट इज अ श्रब तो श्रब के साथ मैच करना है अगेन नेक्स्ट है मैंगो तो मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सिर्फ वन सीड होते हैं तो वन सीड के साथ मैच करेंगे उसी तरह से नेक्स्ट है लोटस लोटस so, क्या है वाटर प्लांट तो वाटर प्लांट के साथ मैच करना है अगेन राइस राइस इज अ सीरियल तो सीरियल के साथ मैच करेंगे नेक्स्ट ग्रेप वाइंट ग्रेप किस तरह का प्लांट है क्लाइंबर उसी तरह से नेक्स्ट है मिंट तो मिंट इज हर्ब एंड नेक्स्ट इज नीम सो नीम इज अ ट्री तो इस तरह से आप भी बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दे सकते हैं यहाँ पे मैंने बच्चों को सिर्फ लिख के दिया है आप चाहे तो बच्चों को पिक्चर पेस्ट करते हुए बच्चों को इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स नीड फोर थिंग्स टू लीव राइट यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और बच्चों से पूछा गया है कि प्लांट्स नीड फोर थिंग तो वो कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों को पिक्चर को समझते हुए बच्चों को उनके नाम लिखने हैं जैसे प्लांट्स नीड वट इज दिस सॉइल तो यहाँ लिखेंगे बच्चे सॉइल नेक्स्ट प्लांट्स नीड्स वॉटर तो यहां लिखना है वॉटर उसी तरह से नेक्स्ट प्लांट्स नीड्स एयर तो एयर यहां लिखना है एंड सेम वे दिस इज सनलाइट तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो सरवाइव करते हैं तो ये बच्चों को समझाया जाता है स्कूल में आप इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू आसानी से वर्कशीट दे सकते हैं इनकरेक्ट यहाँ पे बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिससे बच्चों को समझना है और अगर स्टेटमेंट सही है तो बॉक्स में बच्चों को टिक करना है और अगर गलत हो तो क्रॉस करना है जैसे देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट है प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन लैंड क्या ये सही स्टेटमेंट है जो प्लांट है वो सिर्फ लैंड पे ग्रो करते हैं नहीं तो इसको क्रॉस करेंगे उसी तरह से नेक्स्ट है तुलसी प्लांट इज अ ट्री तुलसी प्लांट क्या ट्री है नो तो इसे अगेन क्रॉस करना है उसी तरह से नेक्स्ट है क्लाइमर कैन ग्रो स्ट्रेट अप जो क्लाइमर प्लांट होते हैं वो स्ट्रेट अप ग्रो करते हैं क्या ये सही है नो उसी तरह से नेक्स्ट है ट्रीज हैज अ वीक स्टेम ट्री के वीक स्टेम होते हैं क्या ये सही स्टेटमेंट है नो no. तो इसे अगेन क्रॉस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट है बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज जो बिग और टॉल प्लांट्स होते हैं उसे हम ट्री कहते हैं क्या ये सही स्टेटमेंट है येस yes, तो इसे टिक करना है उसी तरह से नेक्स्ट है वाटरमेलन इज अ फ्रूट दैट हैज मेनी सीड्स वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसके कई सारे सीड्स होते हैं क्या ये सही स्टेटमेंट है येस yes, तो इसे टिक करना है उसी तरह से नेक्स्ट है ऑल फ्रूट्स डू नॉट हैव सीड्स सारे फ्रूट्स के सीड्स नहीं होते हैं तो क्या ये सही है नहीं तो ये गलत स्टेटमेंट है तो इसे क्रॉस करेंगे तो इस तरह से आप भी बच्चों को स्टेटमेंट uh, देते हुए ट्रू एंड फॉल्स या इस तरह से टिक या इनकरेक्ट करने के लिए क्रॉस करने के लिए दे सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द पिक्चर एंड नेम इट्स टाइप फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप ऑफ प्लांट यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं इन पिक्चर को देखना है और वो क्या है उनका नाम लिखना है साथ ही उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल बच्चों को देना है और उसमें जो सूटेबल वर्ड्स हैं अगर वो बच्चों को फिल करने के लिए दिया गया तो उसे भी फिल करना है तो इस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों को इजिली प्लांट के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए पहला है दिस इज अ डैश ये कौन सा पिक्चर है ये है एक ट्री। सो so, इधर क्या लिखना है? है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं तो है? तो है? आप बच्चों को ट्री का डेफिनेशन भी समझा सकते हैं साथ ही यहां पे देखिए लिखा है फॉर एग्जाम्पल तो बच्चों को एक ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल देना है तो जैसे क्या ले सकते हैं मैंगो ट्री इस तरह से तो इस तरह से बच्चों को इसे समझते हुए लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है दिस इज अ डैश सो अट इज दिस दिस इज अ हर्ब तो यहां लिखना है दिस इज अ हर्ब इट हैज अ सॉफ्ट एंड ग्रीन इट हैज अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम तो इस तरह से ये हर्ब की डेफिनेशन हो गई साथ ही बच्चों को एक एग्जाम्पल देना है फॉर एग्जाम्पल मिंट मिंट इज अ हर्ब तो इस तरह से बच्चों को समझते हुए इसे लिखना है सेम वे नेक्स्ट है दिस इज अ डैश सो अट इज दिस दिस इज अ श्रब तो यहाँ लिखना है श्रब उसी तरह से इट इज अ स्मॉल बुशी प्लांट इट स्टेम इज थिन एंड वुडी तो इस तरह से आप बच्चों को श्रब की डेफिनेशन लर्न करवा सकते हैं साथ ही यहाँ पे बच्चों को एक एग्जाम्पल देना है तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में ही दिख रहा है कि रोज रोज प्लांट इज अ श्रब तो यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं रोज प्लांट उसी तरह से नेक्स्ट है दिस इज अ डैश वॉट इज दिस दिस इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड क्लाइंबर तो दिस इज अ क्लाइंबर इट हैज अ लॉन्ग एंड वीक स्टेम जिसके जो स्टेम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और वीक स्टेम होते हैं तो यहाँ पे लिखना है स्टेम इट कैनॉट ग्रो स्ट्रेट विदाउट अ सपोर्ट क्लाइंबर को सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकता है इन इट्स ओन तो यहां लिखना है सपोर्ट एंड फॉर एग्जाम्पल एक टाइप ऑफ क्लाइंबर का एग्जाम्पल बच्चों को देना है जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर या बच्चे मनी प्लांट लिख सकते हैं इस तरह से कोई भी बच्चे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं उसी तरह से नेक्स्ट है दिस इज अ सो दिस इज अ क्रीपर तो यहाँ पे लिखना है क्रीपर इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड जो क्रीपर प्लांट होते हैं वो हमेशा ग्राउंड पे ही फैलते हैं क्लाइम्बर की तरह क्लाइंबर अपवर्ड जाता है लेकिन क्रीपर ग्राउंड के थ्रू फैलते हैं तो इस तरह से बच्चों को आप क्रीपर का डेफिनेशन समझा सकते हैं साथ ही यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये लिख सकते हैं पंपकिन पंपकिन न इज अ टाइप ऑफ क्रीपर तो इस तरह से आप बच्चों को टाइप ऑफ प्लांट उनके डेफिनेशन साथ ही उनके एग्जाम्पल बच्चों को इस तरह की वर्कशीट देते हुए समझा सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव टू ऑफ ईच जब बच्चों को प्लांट अराउंड अस पढ़ाया जाता है तो उसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्लांट के उन पार्ट्स को याद करने के लिए बच्चों को इस तरह की वर्कशीट दी जाती है जिसमें बच्चों को हर एक टाइप ऑफ प्लांट लिखे गए हैं जिसके बच्चों को दो दो एग्जाम्पल देने हैं तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को जरूर दें जिससे कि बच्चों के रिविजन हो सके जैसे यहाँ पे देखिए पहला है बिग ट्रीज तो बिग ट्रीज के बच्चों को दो एग्जाम्पल्स देने हैं जैसे बच्चे क्या लिख सकते हैं मैंगो ट्री सेम वे एप्पल ट्री तो ये बिग ट्री के अंडर में आते हैं तो इस तरह से बच्चों को लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है वाटर प्लांट्स तो वाटर प्लांट्स क्या हो सकते हैं जैसे लोटस एंड लिलीज उसी तरह से नेक्स्ट है बुशी प्लांट्स तो बुशी प्लांट्स यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है आपसे श्रब तो यहां पे श्रब्स के दो एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चे जैसे रोज एंड हिबिस्कस उसी तरह से नेक्स्ट है मेडिकल प्लांट मेडिकल प्लांट में क्या हो सकता है एग्जाम्पल के लिए एलोवेरा उसी तरह से तुलसी इसे हम मेडिकल वे में यूज कर सकते हैं इसीलिए मेडिकल प्लांट के अंडर आता है उसी तरह से नेक्स्ट है प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स यानी कि यहां पे क्लाइंबर की बात की जा रही है सो तो प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स में क्या हो सकता है Money plant and grape wine. तो इस तरह से आप बच्चों को एग्जाम्पल्स लिखने के लिए बच्चों को जरूर दें टाइप्स ऑफ प्लांट इस तरह से बच्चों को क्लासेस में सिखाया जाता है साथ ही बच्चों को एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्पलीट द फॉलोइंग यहाँ पे बच्चों को एक चार्ट बना के दिया गया है जिसमें लिखा है यूजेस ऑफ प्लांट यानी प्लांट्स के हम किस तरह से यूज लेते हैं या किस तरह से प्लांट्स हमें यूज करते हैं उसके बच्चों को एग्जाम्पल्स देने हैं यहाँ पे तो आप इस तरह से भी बच्चों को यूजेस ऑफ प्लांट्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांट इज यूज फॉर गिविंग अस ऑक्सीजन तो प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन देन प्लांट गिव्स अस कॉटन प्लांट गिव्स अस फ्रूट यहां लिखेंगे फ्रूट सेम वे प्लांट गिव्स अस वेजिटेबल तो यहां लिखना है वेजिटेबल उसी तरह से प्लांट्स गिव्स अस ग्रेन्स सेम वे प्लांट गिव्स अस पेपर तो इस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट यूजेस को समझाने के लिए और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बना के जरूर दें जिससे कि बच्चों को स्पेलिंग्स भी याद हो और साथ ही प्लांट्स के क्या क्या यूज हैं वो बच्चे इस तरह से चार्ट के थ्रू आसानी से समझ पाए ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन लेबल द पार्ट ऑफ प्लांट एंड राइट यहाँ पे बच्चों को पार्ट ऑफ प्लांट्स को लेबल करना है यानी यहाँ पे बच्चों को एक प्लांट ड्रॉ करके दिया गया है और बच्चों को इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बच्चों को समझना है जैसे यहाँ पे एरो दिया गया है और उनके जो पार्ट्स के नेम है वो दिखने हैं जैसे देखिए ये क्या है दिस इज अ फ्लावर सो फ्लावर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्लांट नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड बर्ड तो यहाँ लिखेंगे बर्ड उसी तरह से नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड ब्रांच तो यहाँ लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट क्या है दिस इज अ लीफ तो यहाँ लिखेंगे लीफ नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड स्टेम तो यहाँ लिखना है स्टेम नेक्स्ट इज रूट तो ये है रूट यहाँ लिखेंगे रूट एंड दिस इज फ्रूट तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हो गए तो बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है पिक्चर्स के थ्रू आप इस तरह से बच्चों को लेबल करने के लिए दे सकते हैं या फिर आप बच्चों को खुद से ड्रॉ करके लेबल करने के लिए दे सकते हैं आप दोनों वे में सिखा सकते हैं बच्चों को इस तरह से एग्जाम्स में भी दिए जाते हैं आप इस तरह से बच्चों को घर पे जरूर प्रैक्टिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन एंड आंसर लिखने हैं यानी कि क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके बच्चों को सेंटेंस फॉर्म में आंसर लिखना है जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है वॉट आर स्मॉल एंड वीक प्लांट कॉल्ड जो स्मॉल और वीक प्लांट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो इसका आंसर बच्चे कैसे लिखेंगे स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब जो स्मॉल एंड वीक प्लांट होते हैं उसे हम कहते हैं हर्ब तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है नेम वन क्लाइंबर तो बच्चों को एक क्लाइंबर का नाम देना है फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं मनी प्लांट तो यहाँ लिखेंगे मनी प्लांट उसी तरह से नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट जो प्लांट होता है उसका मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा होता है आंसर हो जाएगा फ्लावर फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट उसी तरह से नेक्स्ट है वॉट आर द थिंग्स दैट अ प्लांट नीड टू सरवाइव प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है उसका आंसर बच्चों को लिखना है जैसे एयर वॉटर सॉइल एंड सनलाइट एयर वाटर सॉइल एंड सनलाइट की जरूरत होती है प्लांट को सर्वाइव करने के लिए तो इस तरह से बच्चों को इसका आंसर लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है राइट द टाइप्स ऑफ प्लांट नेम्स जो बच्चों को टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं उनके नेम यहाँ पे लिखने हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रीज श्रब्स क्लाइंबर हर्ब एंड क्रीपर आर टाइप्स ऑफ प्लांट तो इस तरह से बच्चों को इसका आंसर करना है तो इस तरह से भी बच्चों को क्वेश्चन और आंसर दिए जाते हैं प्लांट अराउंड अस टॉपिक से रिलेटेड आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं देट्स ऑल फॉर टूडे वीडियोज फ्रेंड्स आई होप कि आपके बच्चों के लिए प्लांट अराउंड अस टॉपिक से रिलेटेड ये वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी अगर आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप इन वर्कशीट को फॉलो करते हुए प्लांट अराउंड अस के बारे में प्रैक्टिस करवा सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हूं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय